रही है ब्रजेश। देखिए, कार्यक्रम प्रशासन अकादमी के प्रांगण में किया जा रहा है और वासुदेव जग्गी महाराज के साथ सीएम शिवराज का पूरा परिवार है, उनके बेटे शामिल हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह भी शामिल हैं, कई नेता और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं पौधारोपण करके मिट्टी बचाओ का संदेश यहाँ दिया जा रहा है, पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया जा रहा है और सीएम ने लोगों से खुद भी ये अपील की है कि वो एक पौधा अपने अपने घरों में जरूर लगाए, खासतौर से बारिश शुरू होने वाली है और ऐसे में पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी हिफाजत के लिए, उसका जागरूकता संदेश के लिए सीएम का लगातार अभियान ये जारी है पिछले 1.5 सालों से। वासुदेव जग्गी महाराज की अगर बात करें तो वो इन दोनों पूरे दुनिया में मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी बाइक यात्रा जो है वो पूरे भारत में घूम रही है और उसी पड़ाव में वे कल भोपाल पहुंचे थे। भव्य स्वागत किया गया, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शाम को एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और आज भी दिन भर वासुदेव जग्गी महाराज यही संदेश भोपाल में देने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, और हमेशा से जैसा कि देखा गया है जो सीएम है वो हर दिन एक पौधा लगाते हैं, ये एक बड़ी मिसाल है। वैसे में जो कार्यक्रम है जो मिट्टी बचाने के लिए उन्होंने शुरू किया है, जो आज हो भी रहा है, ऐसे में लोगों पर इसका काफी इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए फरवरी 2021 से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती से यह संकल्प लिया था कि वे एक पौधा प्रतिदिन लगाएंगे, चाहे वे कहीं भी रहें दुनिया के किसी कोने में या देश के दूसरे राज्यों में भी उन्होंने लगातार पौधारोपण किया है और अपने इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार नर्मदा जयंती जो फरवरी में थी तब से वे 2 पौधे प्रतिदिन लगाते हैं और लगातार पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। और इसके साथ ही वासुदेव जग्गी महाराज की बात करें तो सद्गुरु भी लगातार मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, वे देश भर में और दुनिया के कई देशों में जाकर इस बारे में लोगों को बता चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं और दोनों ही पर्यावरण प्रेमी कहे जाते हैं और इसलिए दोनों जो आज भोपाल में एक साथ उन्होंने पौधा लगाया है तो इसका खासा असर जो है वो जनता पर होगा। दोनों में से एक सम्मिलित रूप से अपील भी की है कि एक पौधा अपने अपने घरों में रोज जरूर। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद ही महत्वपूर्ण खास जानकारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।